हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल की अध्यक्षता में तहसील हरिद्वार के सभागार में आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु तहसील दिवस का आयोजन हुआ। तहसील दिवस में कुल 64 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया। विशेष अनुरोध पत्रों को प्रकरण के निस्तारण में लगने वाले समय के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। तहसील दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों में राजस्व, विद्युत, जमीन की पैमाइश, पुलिस, अवैध अतिक्रमण हटाए जाने आदि से संबंधित प्रमुख प्रकरण प्राप्त हुए। सर, तहसील दिवस में जो है आज सुनवाई जारी है, किस तरह की समस्याएं आ रही है? देखिए, एक माह के प्रथम मंगलवार को तहसील दिवस हमारा लगता है और उसमें रोस्टर के हिसाब से जितने भी हमारे तहसील हैं उनमें से एक तहसील के लिए तहसील दिवस का आयोजन होता है और इसमें जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहते हैं और जितने फरियादी आते हैं और जो भी एप्लीकेशन जिस ढंग का जिस टीचर का होगा उस हिसाब से कोशिश करते हैं हम लोग कि मौके पे उसका निस्तारण करें। तो अभी तक लगभग 53 के करीब हमारे एप्लीकेशन हमें मिली हैं, जिसमें अतिक्रमण को लेके और चक्रोड को लेके, पैमाइश को लेके और किसी के पेंशन को लेके छोटे छोटे शिकायतें यहाँ पे दर्ज हुई हैं और मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण हम लोगों ने मौके पे किया है और कुछ शिकायतें जिनका नेचर जो दीर्घकालिक जिसमें समय मतलब ज़्यादा लग सकता है तो उसके लिए समयबद्ध रूप से 10 दिन का 15 दिन का समय निर्धारित करते हुए हम लोगों ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है और इसके बाद फिर ये एक मॉनिटरिंग हम लोग इसको करते हैं और करेंगे भी कि जितने भी अधिकारियों को जितने भी विभागों को ये एप्लीकेशन दिए हैं उसका निस्तारण समय से। सर, चमगादड़ टापू पर एक पार्टी अलॉट की गई थी, उसमें कुछ अनियमितताएं सामने आई थी, विभागीय अधिकारी के द्वारा एक जांच भी आपने कराई थी, उसमें क्या कहना? उसमें देखिए जो रिपोर्ट आई है उसमें सारे पहलुओं को चेक कर रहे हैं और आवश्यकता पड़े तो उसको दोबारा टेंडर कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया कुछ अनियमितता सामने आ रही है, अभी लग रहा है कि कम धनराशि पे गई है तो उसमें कार्रवाई कर। सर, इसमें पार्किंग में किस तरह की अनियमित करना हो उसके लिए कमेटी भी आपकी ओर से बनाई गई है? इसमें देखिए जो मेला क्षेत्र में जितने भी स्थल हैं वो खाली है और किसी न किसी रूप में हमें लगता है कि अगर इसको प्रॉपर ढंग से मैनेज करें और हम लोग एक प्रॉपर पारदर्शी रूप से उसकी ट्रेंडिंग करके अगर इन स्थानों को हम अलॉट करें तो उसे लगता है कि एक तो इनकम अधिक होगी और जितने भी पार्किंग स्थल हैं जो अभी खाली हैं तो उसमें मैक्सिमम गाड़ियों की पार्किंग हम लोग व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। तो एक कमेटी हमने एडीएम की अध्यक्षता में बनाई है और जिसमें MNA, SP और SDM सदर हैं, तो जब ये रिपोर्ट ही दे देंगे तो एक सेंट्रलाइज रूप से हम कोशिश करेंगे कि मेला के नाम से और जितने भी पार्किंग स्थल हैं उनको टेंडर भी वही जारी करेंगे, रेवेन्यू भी वही लेंगे और टेंडरिंग करने के बाद जो धनराशि हम लोग को मिलेगी उसको हम यूज़ करेंगे मेले के कामों में, कांवड़ के कामों में और अगर किसी डिपार्टमेंट को जरूरत हो उनका।